नहीं, तब आप शायद देख नहीं पाए हैं, वो सिलेंडर रखा हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, और स्टोव का चाय हम लोग पीने पे मजबूर हैं। आप देख रहे हैं किस तरह महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है। और प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार का राजनीतिकरण कर रहे हैं, 200 रुपया छूट दे करके बहनों के नाम संदेश दे रहे हैं। अरे, भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को जेल भेज करके जो पहलवान बहनों के साथ किया उसको न्याय देने का काम करते, मणिपुर में जो बहनों के साथ हो रहा है उसको रोकने का काम करते, तो हम समझते कि रक्षाबंधन की सौगात है, बहनों की रक्षा की सौगंध काई है। प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपये की छूट दे करके जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 में बिकने लगा, 800 लूट करके 200 की छूट देना, ये जो मल्टीनेशनल बहु राष्ट्रीय कंपनियां जिस तरह से काम करती है, जो बड़े बड़े स्टोर्स में दिखते हैं उन स्टोर्स की तरह काम हो रहा है कि 1200 के शर्ट को 1800 कर दिया और उसमें फिर 30% का डिस्काउंट दे दिया, वही काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उस बात को लेकर के हम लोग जनता के बीच आज उपस्थित हैं, पूरे राज्य में हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ठग और बेईमान सरकार है ये। मंत्री जी को तभी उन्होंने 200 रुपया की कमी की है, 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए, जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए उन्होंने ये कमी की है, लेकिन जनता है, सब जानती है, ये लाख प्रयास करे लेकिन एक बार लोगों का भटक खुल गया है, लोग समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री जुमला में मास्टर हैं और जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है, ये लोग समझ चुके हैं। अब तो अंधभक्त भी कह रहे हैं कि इन प्रधानमंत्री से निजात दिला। ऐसे हालत में महंगाई से जुड़ा हुआ सवाल कभी भी मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं रहा, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सवाल कभी भी नहीं रहा। आप जानते हैं कि 30 लाख करोड़ डीजल पे, पेट्रोल पे, ये गैस सिलेंडर का जो शेष है ये कमाया है मोदी सरकार ने, और मोर देन हमें लगता है कि 200 बार महंगाई बढ़ी है इन सारी चीजों। आज 5 राज्यों के सरकार हो रहे, चुनाव होने जा रहा है तो जले पे नमक डालने का काम किया है और 200 रुपया घटाकर लोगों के दरवाजे पहुंचने का कोशिश कर रहा है। इतनी बेईमान, इतनी संवेदनहीन सरकार अगर ये है, संसद को सरकारी पार्टी के लोग नहीं चलने देते। हम विपक्ष नहीं, वहाँ कोई सवाल पे बात नहीं होता है, महंगाई पे तो होता ही नहीं है, बेरोजगारी पे तो होता ही नहीं है, यहाँ तक कि मणिपुर जैसे सवाल पे बात नहीं हो, तो रोड पे आए सिवा दूसरा क्या किया जाए, इसीलिए ये रोड पे महंगाई के लड़ाई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।